अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रेडिश के अंदर ब्रीडिंग टेक्निक्स को पढ़ना है कि उसके अंदर सेल्फिंग और क्रॉसिंग किस तरह से की जा सकती है। दोस्तों, रेडिश का उर्दू में नेम मूली होता है और मूली के अंदर किस तरीके से सेल्फिंग की जाती है और क्रॉसिंग किस तरह से की जाती है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कॉमन नेम है रेडिश। इसको जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसको हम मूली भी बुलाते हैं और उसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम है रेफनस सेटिवस। ये ब्रासिशिया फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ये इजिप्ट से ओरिजिनेट हुई थी। इसका बेसिक क्रोमोसोम के अंदर जो सेट होता है उसके अंदर 7 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये डिप्लॉयड है, इसलिए इसे इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 18 हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोलिनेशन का मोड होता है इसके अंदर वो क्रॉस पोलिनेशन का मोड है। उसकी वजह हम आगे पढ़ते हैं कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, यानी कि उनका जो अपना पोलन है वो अपने स्टिग्मा को ही फर्टिलाइज नहीं कर पाता, लिहाजा इसके अंदर सेल्फिंग के चांसेस बहुत कम हैं और क्रॉसिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके फ्लावर के अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो इसका सेपल हैं और जो पेटल हैं वो कलर्स में थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जो फ्लावर का जो सेपल का कलर है वो वाइट होता है, फिर रेड होता है और देन ये पर्पल भी देखा जाता है। उसके बाद ये एक हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों ही मौजूद होंगे, तो ये इस एक तरह से ये कंप्लीट फ्लावर भी है। सो नेक्स्ट इज़ पेटल्स और सेपल्स की तादाद। पेटल्स और सेपल्स की तादाद यहाँ पर फिक्स है, तकरीबन 4 पेटल्स भी हैं उसके अंदर और 4 ही इसके अंदर सेपल्स हैं। उसके बाद स्टेमन यहाँ पर 6 होते हैं, यानी कि फिलामेंट एंथर तकरीबन 6 होते हैं और एक इसके अंदर पिस्टल मौजूद है, यानी कि गाइनेशियम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मौजूद होता है। ये स्टूडेंट, जैसे हमने पहले भी ये बात की कि ये एक नेचुरली आउट क्रॉसिंग पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि यहाँ पर तकरीबन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से यहाँ पर सेल्फिंग ना होने के बराबर है, तकरीबन बहुत कम होती है, और जो क्रॉस पोलिनेशन है वो विंड या वाइल्ड फ्लाइज या फिर हनी बीज की वजह से। तो सेल्फिंग जो स्टूडेंट्स, सेल्फिंग के अंदर हमारे पास तकरीबन 3 मेथड मौजूद होते हैं, जिनमें से पहला मेथड है हमारा बैगिंग का। वो फ्लावर जिनकी हमने सेल्फिंग करवानी है उनके फ्लावर्स को या फुल प्लांट को हम बैग से कवर कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि बाहर वाला इंसेक्ट या विंड अंदर वाले प्लांट को पोलिनेट नहीं कर पाता और हम सेल्फिंग कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड हमारे पास पोलिनेशन का है, पोलिनेशन खुद से करना। अगर हम अपने प्लांट को, अपने प्लांट के अंदर मौजूद फ्लावर को उसी के पोलन के साथ खुद से हाथ से मैनुअली उसको फ्लावर से पोलिनेट कर देंगे तो वो पोलिनेशन का मेथड हो जाएगा और वो भी सेल्फिंग के मेथड। क्रॉसिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला मेथड, सबसे पहला स्टेप जो है वो है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन के अंदर हम प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं और उन फ्लावर्स के अंदर मौजूद एंथर हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से जो पोलन्स हैं वो अपने प्लांट को, अपने गाइनेशियम को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते, इस तरह सेल्फिंग से हम उसको बचा लेते हैं। और उसके अलावा जो जिस प्लांट के अंदर हम इमस्कुलेशन करते हैं वो प्लांट हमारा फीमेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने वहाँ से पोलन्स को वहाँ से रिमूव कर लेना है ताकि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बन जाए कि वहाँ पर कोई भी किस्म की क्रॉस पोलिनेशन उस वक्त तक ना हो जब तक हम नहीं चाहते। और उसको बैग से हम क्या कर देते हैं, उसको हम बैग से कवर कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जितने भी पोलन्स हैं उनको हम वहाँ पर ना लेकर दें। सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास है पोलिनेशन का। आपने जो पोलन्स सेलेक्ट किए थे कहीं और से, रेडिश के किसी और प्लांट से, आपने उसको इमस्कुलेटेड फ्लावर के अंदर ला कर उसको पोलिनेट करवा देने, ये पिक्चर से आपको साबित हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जाता है बैगिंग का। आपने अपनी क्रॉस पोलिनेशन करने के बाद, आपने अपने जो प्लांट है उसको बैग से कवर कर देना। बैग से कवर हम इसलिए कर देते हैं ताकि जितने भी फॉरेन पोलन्स होते हैं जो हनी बीज और बाकी विंड वगैरह उसको उड़ा कर लेकर आ रहे होते हैं उन सब से बचाया जा सके। उसके बाद हम उसकी टैगिंग वगैरह कर देते हैं। टैग में हम उसके ऊपर अपने नाम, प्लांट का नाम, पेरेंट का नाम और क्रॉसिंग का डे और पोलिनेशन का डे, ये तमाम डेज हम क्या करते हैं उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। और उसको मेंशन करने के बाद जब हमारा सीड डेवलप हो जाता है तो उसको हम मज़ीद सीड्स में, उसको पॉड्स में उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, उसको वहाँ पर ग्रो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था ब्रीडिंग टेक्निक्स इन रेडिश वो कम्प्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत मदद होगी। अस्सलामुअलैकुम।